तो मैं अपने जितने भी हमारे दर्शक यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों को ये बात जो है वो सच्ची लगती है कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है? आप अपना हाथ खड़ा करके अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। जी सबसे पहले कौन आ रहा है? अरे इधर देखो जी। अच्छा आपको भी लगता है? दो मिनट भाई साहब, मैं पहले इनके विचार ही जान लूं। जी जी आपको क्यों लगता है ऐसे? इसमें तो सिंपल सी बात है, घर की मुर्गी दाल बराबर ही होती है। इसमें मतलब कोई इसके आगे बात ही नहीं आगे बढ़ सकती। नहीं है। फैक्ट है मतलब। नहीं, मुझे कोई पूछता है हमेशा ना कि आपका फेवरेट सिंगर कौन है। जी। तो मैं कहती हूँ ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड, बट एट द सेम टाइम विदाउट बीइंग शाय अबाउट इट और डिसऑनेस्ट, आई लव शान्स वॉइस। सो स्वीट, वेरी ऑनेस्ट। चलो सर, वो आपका बहुत पहले से वो वेट कर रहे हैं। हाँ। हेलो कपिल सर। हेलो सर, हाउ आर यू? सोनू सर। हेलो जी। हेलो मैम। हेलो सर जी। रत्ना मैम, ये कहावत तो मेरे लिए तो पूरी उल्टी हो गई है, मानना मत। ये कहता मानना मत, मुर्गी दाल बराबर नहीं, घर का मुल्का दाल बराबर हो गया। अच्छा जी, कैसे सर? कैसे बताओ, मेरे हम गुजरात पालमपुर से आते हैं। अच्छा जी। इधर मेरे ज्वेलर्स की दुकान है आपकी? हाँ। अच्छा जी। और मैं मतलब 8 बजे दुकान बंद कर देते हैं, 8:30 बजे घर जाने में आने में हो जाते हैं। अच्छा जी। घर आए और घर से जाके खाना बाना खाया, रात को 9 बजे बाहर निकलते। वैसे घर की घर 15-20 मिनट पहले से ही घड़ी आगे रखी। ऐसे क्यों? वो उसको मालूम। जैसे घर से वो उसको मालूम। 9 बजे घर से निकले, आधा घंटा हुआ होगा मेरे को घर से निकले, फोन आएगा। इसका नाम वैसे शीतल है पर अच्छा मैंने इसका नाम टेंशन करके सेव किया है। इसका फोन आएगा, वो सीधा फोन उठाएंगे, टेंशन लिखा हुआ, फायरिंग चालू। 1.5-2 घंटा हो गया, कब आओगे घर? अच्छा जी। अपने कहा भागा भागा घर चले जाते हैं, तो अपने तो घर के मुर्गा हो गए ने। नहीं पर अच्छी बात है, दाल बराबर थोड़ी ना हो फिर, आप तो पनीर बराबर हो गए ना आप तो। आपका इंतजार करती हूँ तो फिर तो आपसे प्यार करती है। नमस्कार मैडम, कैसी हैं आप? ये जो भाई साहब कह रहे हैं सच कह रहे हैं? नहीं सर, मेरे को क्या होता है कि बच्चों के हिसाब से टाइम सेटिंग करना पड़ता है। कितने बच्चे हैं आपके मैडम? दो। दो बच्चे, तो अभी क्यों बुलाते हैं टाइम पे उनको घर? मतलब नहीं फिर क्या, उसको उसके हिसाब से टाइम स्पेंड करना पड़ता है। फिर घड़ी आगे रखने का मतलब क्या है कि बच्चों को रात को जल्दी से सुलाना भी पड़ता है ना। जी जी जी। वैसे ही ये मेरे को मिले हुए आज 20 साल हो गए। 20 साल आज हमारा मैरिज एनिवर्सरी है। अरे बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू सर। ईश्वर आपको खुश रखे और बड़े प्यारे हैं आप दोनों। शुक्रिया, धन्यवाद आपका शो में आने के लिए। जी जी। और कोई हमारे दोस्त यहाँ पे कोई और कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहता हो तो आप खुले तौर पे आपका स्वागत है। क्या हाल है सर? बैठ जाइए, हमें नहीं सुनने। नहीं नहीं सॉरी, घर की मुर्गी दाल बराबर के बारे में कहना चाहूंगा, आदमी को अपनी असली औकात घर में पता चलती है। हाँ ये तो है। भाई साहब, मैं बाई प्रोफेशन बैंकर हूँ, मेरी वाइफ अच्छा भी बैंकर है। अच्छा जी। ऑफिस में मैं दी राजेश होता हूँ जी, अपना अपना उधर कुछ अपनी इज्जत है। हाँ जी। घर आके कुछ अपनी संडे को जब छुट्टी का दिन होता है उस दिन पता चलता है कि असली वैल्यू क्या है। हाँ जी। शादी के पहले मेरी आदत थी, मेरी माँ मुझे चाय पिला के उठाती थी। हाँ जी। शादी होती एक दिन चाय मिलती है। अच्छा जी। वो भी कब? जब संडे को। अच्छा। वो जी। भी चाय मुझे खुद बनानी होती है। और अपने लिए भी और मैडम के लिए भी। वेरी गुड। अच्छी बात है। अच्छी बात तो है भाई साहब, बट सैटरडे नाइट को अगर आप कहीं वीकेंड मना के आओ और लेट नाइट सो, सुबह 8 बजे जब बीवी जगाती है ना चाय बनाने के लिए, वो दर्द मैं जानता हूँ। दो चार चीजें होती है, बाकी भगवान की आशीर्वाद है, वाइफ अच्छी मिली है, जिंदगी अच्छी चल रही है, भगवान आगे भी अच्छी चला। अच्छा देख लो, कंप्लेंट भले कर रहे हैं लेकिन प्यार भी बराबर पूरा है। प्यार बहुत है, वो नहीं गएगा तो मैं नहीं गाऊंगा। और दूसरी बात ये भी है ना कि आप, अच्छा वो भी वर्किंग वुमेन है, वो भी काम करती हैं, वो भी मैनेज करती हैं, घर भी संभालना है, तो एक आध बार चाय पिला दिया तो क्या फर्क पड़ता है? पिला दिया करो, कोई बात नहीं। पिलाता ही, उसके अलावा ऑप्शन नहीं है भाई। शुक्रिया सर, धन्यवाद आपका शो में आने के लिए। थैंक यू। अच्छा सोनू भाजी, आपको एक मैं और चीज बताना चाहता था, आपके जब आप यहाँ पे आने वाले थे उसके पहले आपके यहाँ पे बहुत सारे फैंस हैं जो ये कहते हैं कि हम भी सोनू भाजी के इतने बड़े फैन हैं कि हम उनकी आवाज में गा सकते हैं, डिटो ऐसा उनका कहना है। हाँ तो मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ। सबसे पहले कौन आ रहा है? जी ये भाई साहब आ रहे हैं। हेलो कपिल सर। हेलो सोनू जी। हेलो जी। हेलो सर, ये मेरे दोस्त हैं। हेलो सर, क्या हाल है सर? सर मैं मनिंदर जी सिंह, सर अमृतसर से आया था दिल्ली से स्पेशल। सो स्वीट। हेलो सोनू सर। हेलो मैम, सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल। थैंक यू फॉर कमिंग ब्रदर। सर सुनो सर, हम दोनों आपके, हम क्या सभी लोग आपके बहुत बड़े फैन हैं, तो हम छोटा सा आपके लिए गाना गाना चाहेंगे सर। जी प्लीज।
ये दिल दीवाना दीवाना है, ये दिल दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना। Nice. मैंने इसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। शाबाश। मैंने तुझसे उसे निकाला, जो ना करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल। ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल। वाह वाह वाह। थैंक यू सर। अरे कुछ नहीं, आपको कहते हैं आप सॉरी बोलो, अपने आप बैठ जाओ। यार नहीं 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 नहीं, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो मुंह से इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे पाजी, ये इसको बुकचू कहते हैं। और ये अगर आप पंजाबी गाने सुने, बहुत सारे गानों में आप सुने, आपको ये इंस्ट्रूमेंट सुनने को मिलेगा। आपने बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट वो बजाया मुझसे, बड़ा अच्छा, थैंक यू। और आपने भी बड़ा अच्छा गाया, आपको हमें तो पता ही है। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त यहाँ पे अपने विचार थे जी भाई साहब? पहले तो आपने जो बात कही ना कि कोई सोनू जी जैसा गाए जी, ये बात ही ऐसी है कि जैसे रफ़ी साहब हैं, किशोर जी हैं, लता जी, आशा जी हैं, मन्नाडे साहब हैं, और सोनू जी और आज की हमारे सुखी जी, ये कुछ ऐसे सिंगर हैं जिनके गाने के बारे में अब मैं कहूँगा कि जहाँ भगवान भी पैर नहीं रखता ना, वहाँ मूर्ख पैर रख देता है जो इनके गाने अटेम्प्ट करता है। तो मैं सोनू जी के गाने पर कोशिश कर रहा हूँ। मैंने किशोर दा का गाना, अच्छा, सोनू जी के कवाली जो है, मैं हूं ना की कवाली, वाह, उस पे फिट किया है जी, प्लीज। तो अगर इनकी इजाजत होगी तो ही मैं कोशिश करूंगा। प्लीज 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 प्लीज। थैंक यू। फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से, पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेके सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा हूं जैसे के माला में धागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा हूं जैसे के माला में धागा, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार, कितना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार, तुम्हें तारा तुम्हें तारा तुम्हें तारा तुम्हें तारा तुम्हें तारा तुम्हें तारा तुम ना तुम्हें तारा तुम्हें तारा तुम्हें तारा तुम्हें तारा तुम्हें तारा तुम्हें तारा तुम। थैंक यू। अरे वाह, थैंक यू। क्यों गाना दिमाग में याद आ रहा मुझे, कहीं दूर जब दिल दल जाए, सांझ की दुल्हन कदम चुराए, चुपके से आए, सुनो जी, कहीं दूर जब दिल जल जाए जी, इसमें भी एक किया हुआ है। अच्छा। टन टना टन 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 तारा, चलती है क्या नौ से बारह, रात के शो की दो टिकटे हैं, चलो जाए नौ दो ग्यारह, टन टना टन 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 तारा, चलती है क्या नौ से बारह। क्या बात है। धन्यवाद। हमें पता चला कि आपके कुछ गाने जो हैं अभी आने वाले हैं, जो भी हमारे दर्शकों को सुनने को मिलेंगे, सो पाजी जब वो आएंगे तब तो सब सुनेंगे, तो प्लीज पाजी कुछ हो जाए हमारे दर्शकों के लिए जो आपके नए गाने। अभी एक ही फिल्म रॉ आ रही है, रॉ, उसमें पहला गाना मेरा है वंदे मातरम, सो गाओ जी प्लीज सर। क्या बात है भाजी, क्या बात है, ब्यूटीफुल, थैंक यू, वाह, जय, तालियां हो जाए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए।